बोलिए सच्चे दरबार की। एक पुष्प भाई जिमी आए हो। जिमी भैया एक पुष्प बाबा के चरणों में, उसके बाद संजय भैया आइए। जिमी भैया आइए, एक जयकारा जरा जोरदार, दोनों हाथ उठाएंगे। बोले खाटू नरेश की। बोली खाटू नरेश की, प्रेम से बोली जय श्री श्याम। देखिए दरबार में बातें बहुत हो रही है, निवेदन करूंगा बातों को विराम करें और बाबा के चरणों में ध्यान लगाएं। दोनों हाथ खड़े करके जगा बोली हारे की सहारे की, बोली लखदा तार की, श्याम प्यारे की, बोली सच्चे दरबार की, हो बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे। बोलो बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे सिवा तुझे तो पता ही होगा, तुझे तो बताओ कौन कौन अपनी लाज बाबा के हाथ रखना चाहते हुआ। दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाकर बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखे आशा। पीछे जो भी कुर्सियों पर बैठे हैं बाबा के दरबार में आए, एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाकर बोले लाज गई तो कुछ भी ना रह जाएगा, ये दुखिया राजी के जी मर जाएगा। बोलो लाज गई तो कुछ भी ना रह जाएगा, गाइए गाइए ये दुखिया राजी के जी मर जाएगा। बोलना बाबा अंधकार एक बार और पापा अंधकार
किसी के हाथ नीचे ना रहे, तालियां पकड़ लो एक साथ।
भजन यहीं पर विराम हुआ। आइए एकदम विराम पंक्तियों में दोनों हाथ ऊपर, किसी के हाथ नीचे ना रहे, पड़ोसी हाथ ना उठाए तो पकड़ कर उठा देना। और संजय भैया से बात की वापस। अभी मैं जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे, श्री संजय जी मित्तल संजय भैया का स्वागत करता हूं। और अब दरबार में संजय भैया बोलिए सच्चे दरबार की। एक जोरदार जयकारा, दोनों हाथ उठा के एकदम जोरदार बोलिए खाटू नरेश की। कल 15 दिसंबर FM हॉल में श्री श्याम सत्संग मंडल की तरफ से सत्संग मंडल कीर्तन है, 48वां कीर्तन वार्षिक उत्सव, तो जरूर से जरूर पधारे FM हॉल में। बोल सच्चे दरबार की। हैं बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए खाटू नरेश की। आज बिल्कुल कंप्लीट दरबार शाम का लगा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि ये फर्स्ट गेट सेकंड गेट ये कलकत्ते में लगता है और आज मुंबई में, और बिल्कुल क्या बात है। मैं समझता हूँ कि जितना कलकत्ते के बारे में कहा जाता है बाबा के प्रेमियों के लिए, उतना ही बम्बई का भी स्थान आता है कि श्याम प्रेमी। श्याम बाबा क्या है, बम्बई में भी ऐसे हजारों घर मिल जाएंगे जिनके यहाँ पर 50 साल से 100 साल से बाबा धुकता आया है, जिनका कुल देवता बाबा है, जिनके हर सांस में बाबा बसा है, हर बोली पर बाबा निकलता है। ऐसे हमारे कलकत्ते में तो परिवार हैं ही, बम्बई में भी ये चीज़ देखने को मिली। और ये कृपा हर घर पर बने, हर परिवार में बने, हर परिवार का कोई भी बच्चा चाहे वो कितना ही
पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट बने, लेकिन बाबा उस पर कृपा करना कि वो जय श्री श्याम बोलना जरूर सीखे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपिच जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतन शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमिरो मां शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन में शीर। लाल देह लाली लसे हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विविध विदारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन असवार। चंद्र तपे सूरज दबे उद्गण तपे आकाश इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्याम प्यारे की बंद कर दो बजाना बंद कर दो। देखिए
म्यूजिशंस को जब आप जगह दें तो उसको प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। इस दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी प्रेमी बैठे हैं, मैं समझता हूं 95% लोगों ने संघर्ष किया। 95% ऐसे लोग थे जिनको नहीं पता था कि कल क्या होगा, अपने आराध्य पर भरोसा किया, इन्होंने हाथ पकड़ा और जीरो से हीरो बना दिया। 2-4-5% हो सकते हैं सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हों, लेकिन आज वो भी दरबार में आकर कहते हैं ऊंचा स्थान मिलना आसान है, उस स्थान को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। आपकी कृपा के बिना वो भी पॉसिबल नहीं है। और वो प्रेमी दरबार में आकर बाबा से क्या कहते हैं, आइए, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा है तो सब मिलकर बोलिए। मिलता अगर न मुझको बाबा तेरा, बोलो ना, मिल कैसे पता तू करता दुनिया में मैं गुजारा। सच है, कौन कौन मानता है, पूरे हाथों से छोड़ दो तालियां बजाकर। मिलता अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा, मिलता अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा, कैसे पता तू करता, ओ, कैसे पता तू करता दुनिया में मैं गुजारा। तालियां बजाओ मेरे नजदीक तो
बिगड़ी बना जाए, मेरी बिगड़ी बना जाए, मेरे नजदीक तू आए, मेरी बिगड़ी बना जाए, मेरी बिगड़ी बना जाए। किसके किसके बिगड़े बनाए हैं बाबा, तालियां बजाकर दिखाओ ना बाबा। कर भरोसा, कर भरोसा, मेरा बाबा तेरे साथ है प्रेमी, कर भरोसा। कर भरोसा, कर भरोसा, कर भरोसा, मेरा बाबा तेरे साथ है प्रेमी, कर भरोसा। लड़ी सांसों की ये टूटे, भले संसार ये रूठे, लड़ी सांसों की ये टूटे, लड़ी सांसों की ये टूटे, वो तुम्हारा तुम्हारा साथ ना छूटे, शाम मेरी आस ना टूटे, शाम मेरी आस ना टूटे, तुम्हारा साथ ना छूटे, शाम मेरी आस ना टूटे, शाम मेरी आस ना टूटे। जीवन नहीं चाहिए लेकिन जीवन तब तक चाहिए जब तक तेरा साथ मेरे साथ है, तब तक जीवन चाहिए। तुम्हारा साथ ना छूटे, शाम मेरी आस ना टूटे, शाम मेरी आस ना टूटे। सोनू कहे तेरे बिन, सोनू कहे तेरे बिन बाबार ना गुजारा, अगर ना मुझको बाबा तेरा सहारा, अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा। भजन खत्म हो गया, किसकी किसकी बात है एक बार हाथ उठा लेना, मैं माइक में नहीं बोलूंगा। जिनको जिनको बाबा का सहारा नहीं मिलता, वो सोच रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता, पूरे हाथों से तालियां बजाकर जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या। कृपा बरसाने वाले की जी।
जी माई जी माई जी भजन मैं गाने जा रहा हूं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये भजन, और मैं समझता हूं कि मेरे ही नहीं जो भी पुराने श्याम भक्त है ना, उनको एक एक शब्द जब समझ में आएगा तो महसूस होगा कि बाबा ने क्या कलम चलवाई है। आइए कहिएगा, मांगा तो क्या मांगा बाबा से, नए नए लोग आ रहे हैं आजकल है ना बाबा, क्यों आ रहे हैं नए लोग, जाते ही माल दे देता है ना। अब आजकल का 25 साल को छोरो है, करियर शुरू करनो है, खाटू पूछ गयो और जाते ही भरपेट दे दियो, वो तो दीवानो बन गयो बाबा को। लेकिन वो अभी दीवाना, वो जो उसे पैकेज दिया है उसके कारण हुआ है। लेकिन ये जो बुजुर्ग बैठे हैं यहां पर, आज इनसे पूछो, आज ये सिर्फ पैकेज के लिए बाबा के दीवाने नहीं है, आज ये इसलिए दीवाने हैं कि इनके रग रग में शाम बस गया है, और आज ये, आज इनको मालूम है कि ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए आज इनकी डिमांड बदल गई है। और क्या मांगा इन्होंने, मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो, बोलो बोलो, मेरे हो है नहीं हो, भटकू नहीं इस जग में, चरणों में ही डेरा हो, भटकू नहीं इस जग में, चरणों में ही डेरा हो। भाई साहब व्हाट्सएप वाले, कौन कौन इनके चरणों में रहना चाहता है, कौन कौन उठा लो हाथों को मिलकर, मेरे दिल में आपा बस तेरा बसेरा हो, मेरे दिल में आपा बस तेरा बसेरा हो, मेरे दिल
बजाओ। मेरे भजनों से ज्यादा आपके तालियों से रिझेगा। मानव का ये जीवन मुश्किल से मिलता है, मानव का ये जीवन मुश्किल से मिलता है, सत्संग भजन का सुमन मुश्किल से खिलता है, सत्संग खिलता है मुश्किल से खिलता है। भजनों की बगियारी मेरा रहन बसेरा हो, भजनों की बगियारी मेरा रहन बसेरा हो। भटकूं नहीं इस जग में, कभी कुछ नहीं मांगता था। तालियां बजाना। एक दिन ऐसे ही अखाड़ा लगा था, उसके मन में हो गई बाबा से कुछ कहूं, उसने इजाजत मांगी बाबा से। तालियां बजाकर क्या कहा बाबा से? श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे, श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहे, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहे, श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे, श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे। Oh,
पर सुनवाई होगी, सुनाना आपको पकड़ेगा। तालियां बजाकर बोलो ना, उतारो शाम मेरे कौन तुम साहेदानी, उतारो शाम मेरे कौन तुम साहेदानी, नंद पीड़ा हृदय की सही जाती नहीं है, नंद पीड़ा हृदय की सही जाती नहीं है, कुछ हिम्मत हुई है, बताएं कैसे तुमको सुबह खुलती नहीं। अच्छा बताओ, जब बाबा के मंदिर में पहुंचते हैं कितना ही परेशान क्यों ना होते हो, एक बार जब नजरों से नजरें मिलती है तो क्या लगता है, जैसे शीतल हवा का झोंका आता है ना, लगता है ना ऐसा, किसको किसको लगता है, पूरे पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, ये जोरदार है। नौकरी थोड़ी करता हमारी, जो जब बोलोगे तब आएगा, लेकिन फिर भी रात को 3 बजे बुलाओ तो 3 बजे आता है। आपको कोई रिश्तेदार टेलीफोन कर दे ना 3 बजे, सगा भाई कर दे, फोन नहीं उठाओगे, लेकिन मेरा बाबा रात को 3 बजे भी फोन उठाता है। पता है क्यों उठाता है, बताओ क्यों उठाता है, अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है। बोलो बोलो, अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है, जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, क्यों घबराता है तेरा श्याम से नाता है, जो नहीं घबराएगा ये तालियां बजाएंगे। संजय मित्तल का जब ताली आप बजा रहे हैं ना, कसम से कहता हूं एक भी ताली खाली नहीं जाएगी। हम एहसान भरा बोझ है, लेकिन ये नहीं है, इसके लिए हम एक कदम भी बढ़ाते हैं ना, ये लिख लेता है
इसने फलाने तारीख को फलाने दिन इतने बजकर इतने मिनट पर मेरे लिए हाथ उठाए थे, तालियां बजाए थे। जब इसको दरकार होगी तब मैं भी इसके लिए जाकर हाथ उठाऊंगा। कई बार मन में आता है मैं भी बैठ कर गाऊं, लेकिन फिर मन में आता रे पगले तो बैठ कर गाएगा तो सिर्फ तो रिझा पाएगा, ये तालियां नहीं बज पाएगी। रंगों में रंग तेरा प्रभु सबसे मोबाइल में कैच कर लिया, तालियां बजाओ ना भैया। फूलों की देन कलकत्ता है, जो कलकत्ता में फूल होता है वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। कलकत्ते जाकर माली को बुलाया, ए माली ये कौन सा फूल है भाई? माली ने फूल उठाकर हाथ पर रख दिया। मैंने कहा रे मूर्ख, तुझे आंखों से कम नजर आने लगा, ये फोटो देख, इसमें रंग देख, और तूने जो मुझे फूल पकड़ा है इसका रंग देख। कहा दादा ये यही माला है, इसी फूल की माला है। मैंने कहा इसका रंग बदल गया। माली भी हंसने लगा, तालियां बजाने लगा। कहा दादा इसके दरबार में जाने वाले का जीवन बदल देता है बाबा, तो उसके गले में पड़ने वाले फूल का रंग नहीं बदल सकता। जो रंग का इस रंग में उसके पाव पारा है, बोलो जो रंग का इस रंग में उसके पाव पारा है, उसके पाव पारा है। कौन कौन इसके रंग में रहना चाहता है? 30-35 साल पहले जब एक कपड़े से मन उतर जाता था, रंगरेज के पास जाते थे, है रंगरेज इसे गुलाबी रंग में रंग दे, इसे नीले रंग में रंग दे, इसे केसरिया रंग में रंग दे, तालियां बजाना। श्याम के पास गए, सामने खड़े होकर कहा बाबा ये कपड़ा नहीं ये जीवन मेला हो गया है, इसे आप रंग दो बाबा। लेकिन जीवन रंगने वाले को रंग नहीं बताया कि किस रंग में रंगा, हाथों से तालियां बजा कर कहना रंग रेज मुझे रंग दे, जो प्रिय रंग तेरा हो। रंग रेज मुझे रंग दे, जो प्रिय रंग तेरा हो।
से मैंने प्रेम किया भगवान बंधन में बंधना चाहता है मुझे बांध लो तुम ऐसे यही सांझ सवेरा हो मुझे बांध लो तुम ऐसे यही सांझ सवेरा हो हट तू नहीं इस जग में जनों में ही डेरा हो किसका किसका ध्यान कीर्तन में था तालियां बजाकर कहे ना क्या मेरे दिल में बस तेरा बसेरा हो बोलो बोलो मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो भटकू नहीं इस जग में चरणों में ही परमादरणीय सालासर धाम से परमादरणीय रवि पुजारी जी दरबार में विराजमान हैं बहुत बहुत स्वागत एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे भव्य श्रृंगार इतना भव्य दरबार लगा है इतनी मालाएं तरह तरह की मालाएं बाबा को पहनाई गई है इन मालाओं को देखकर एक माला याद आती है कि ये माला अगर हमने पहना दी इनको तो हमारा बनने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा प्रेमी इसलिए आइए कोशिश कीजिए कि हम इस लायक बन जाएं कि जो जो माला ये भजन में सुनाई जा रही है ये माला बाबा को पहना सके आइए
चढ़ा दे बोलो 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 सांसों को बनाते हा बाबा को चढ़ा दे भावों का फिरों के पल आए दूजे पल रुक जाएगी इन सांसों का उपहार हो इन सांसों का उपहार बाबा को चढ़ा दे
यहाँ से कितनी आएगी, एक सांस बंद तुझको शाम से मिलाएगी, एक सांस बंद तुझको शाम से मिलाएगी, ऐ हर्ष तेरे उद्गारों, ऐ हर्ष तेरे उद्गार, बाबा को चढ़ा दे सांसों का बना के हार, बाबा को चढ़ा दे सांसों का बना के हार, बाबा को चढ़ा दे भावों का फिरों के तार, भावों का फिरों के तार, बाबा को चढ़ा दे शाम से मिलाएगी। कौन सी सांस? पिक्चर जाते हो, मल्टीप्लेक्स में जाते हो ना, ढाई घंटे बैठते हो, जब पिक्चर चलती रहती है ना, बगल में घरवाली बैठी रहती है और बीच में अगर उसने कुछ पूछ लिया, टोका टाकी कर दी, उसको झड़क दे दे, शांत रहे। उस समय कोई मोबाइल निकालता है? बताओ ना, सच्चाई पूछ रहा हूं, निकालता है कोई मोबाइल? उस समय मोबाइल साइलेंट मोड में होता है ना, लेकिन यहां पर व्हाट्सएप भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, और उसके बाद बाबा से कहते हैं, बाबा मेरा फेस ठीक कर देना। देखो प्रेमियों, मैं बहुत छोटा हूँ, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ढाई घंटा का अटेंशन आप पिक्चर हॉल में बैठकर उस पिक्चर को देते हो, जो शायद 90% हमें बिगाड़ती है, अगर उसे ढाई घंटे का अगर ढाई मिनट या ढाई सेकंड अटेंशन इनको दे दो ना, ये मेरा बेटा है, ये भाई है, ये फलाना है, ये ढिकड़ा है, कहां तक? शमशान घाट तक। पता है चिता पर डालेंगे, आग लगाएंगे, जिस औलाद को 9 महीने कोख में रखा, खुद गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाया, वो रात को अगर 3 बजे उसकी एक छिटकार निकल गई, मां का कलेजा बैठ जाता है, सारी रात जलकर काट देती है, और जब वो मां आखिरी समय पर आखिरी 3 घंटे चिता पर लेटी होती है, तो हमारे समाज को न जाने क्या हो गया, सगा बेटा उसको मां के लिए 3 घंटे नहीं होते, बांस मारकर सिर फोड़ा दुनिया जाती है, उसके साथ बेटा भी चला जाता है। कहां काम आया बेटा? अरे फर्ज निभाओ। लेकिन किसने गिनी है सांसें, जिसने ये बख्शी सांसें, उसके ही नाम कर परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजार। बेटे को पालने में समय लगाया ना, अगर रोज दिन के अंदर में 5 सेकंड भी उसके नाम करते जिसने जिंदगी में नीचे भेजा है, तो बेटा सिर फोड़ कर चला जाएगा, सारे रिश्तेदार जलती चिता छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मुरली वाला सिरहाने खड़ा रहेगा और कहेगा, तूने मुझे समय दिया है, आज तुझे लेने के लिए मैं आया हूं। हो जाएगा भव पारो, हो जाएगा भव पार, बाबा को चढ़ा दे सांसों का बना के हार, बाबा को चढ़ा दे भावों का पिरों के तारों, भावों का पिरों के तार, बाबा को चढ़ा दे सांसों का बना के हार,
बाबा को चढ़ा। बोल साचे प्रेमियों, रोज बाबा को एक भजन सुनाया करो। एक भजन में 5 मिनट लगेंगे, टूटा फूटा राग नहीं आए ना तो भी सीधा सीधा गाकर सुना दिया करो। आपको बताऊं, बाबा इंतजार करने लगेगा कि मेरा बच्चा मुझे एक भजन सुनाएगा। और जिस दिन बाबा आपका इंतजार करने लग जाएगा ना, उस दिन समझ लो पवारा 25 है। इतिहास गवाह है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इतिहास गवाह है। हर बिजनेसमैन परेशान है, लेकिन कोई भी भजन गायक देख लो सब खुश है। नारायण बाबू, अरे गलत हो तो गला पकड़ लो मेरा। हालांकि लोग जलते भी बहुत हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मैं मारुति 800 से फरारी में पहुंच गया तो ये भी बाबा की कृपा से बढ़ रहा है। प्रेमियों, एक भजन सुनाया करो बाबा को, आज लिख कर ले जाओ, एक भजन की आदत डाल दो। कसम से, मोदी जी आए चाहे राहुल जी आए, कोई भी आए, आपके बैलेंसिंग टनाटन रहेगी। आइए, एक भजन की हमारे भैया ने ये फरमाइश की है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, सब संपन्न है, सब खुशहाल है। प्रेमी आकर बाबा से कहता है, बाबा आपने मकान दिया, आपने फैक्ट्री दी, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां दी, आपने स्टेटस दिया, समाज में इज्जत दी, शोहरत दिया, लेकिन मैंने आपको क्या दिया? आज तक मैं बाबा आपके लायक नहीं बन पाया। बाबा आपने सब कुछ किया, लेकिन मैं कभी भी नहीं कह सकता कि मैंने मेरे शाम के लिए कुछ किया है। बाबा बस एक कृपा कर दो बाबा, एक कृपा। लायक बना लियो बाबा, लायक बना लियो माने थार दरबार के। लायक कौन कौन गाएगा, कौन कौन? पूरे हाथों से तालियां बजाकर मिलकर एक साथ में, शाम था बिछा तो बना लो माने, बार 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 के, शाम था
उड़ावे जी हो आने जो भावे वो तो नाच उड़ावे जी हो।
युक्ति बता भव तरणन की हे देशा गौरी चरणन की हे देशा किसको किसको यह धुनी चाहिए ये मिलकर एक साथ में अपने बहुत होते हैं। कई बार देखते हैं ना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में शाम को 5 से 7 विजिटिंग आवर में पेशेंट ऊपर भर्ती है, नीचे 500 लोग लाइन में खड़े हैं, तालियां बजाना। अगर ऊपर पेशेंट ये सोचे कि जो लोग हैं वो मेरे लिए खड़े हैं तो वो मूर्ख है पेशेंट। जो नीचे खड़े हैं ना वो उस पेशेंट के लिए नहीं खड़े हैं, उसके स्टेटस के लिए खड़े हैं, उसके साम्राज्य के लिए खड़े हैं जो उसने बनाया है। जिसका स्टेटस नहीं होता ना वो सरकारी अस्पतालों में पड़ा सड़ता है, लेकिन उसका विश्वास अगर मजबूत होता है ना, उसके बेड के सिराने कोई नहीं होता, लेकिन सांवरिया खड़ा रहता और कहता है तो चिंता मत कर, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, लेकिन मैं वादा करता हूं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, तुझे यहां से ठीक करके निकाल कर लेके जाऊंगा। सुख में तो जगया सारा साथ निभावे, सुख में तो जगया सारा साथ निभावे, पर दुखड़े में कोई नीड नहीं आवे, बना लो हमें बार दरबार लायक, बना लो हमें हर दरबार शाम थारी चौखट पे। कौन कौन इसके चौखट पर आता है, कौन कौन ये तालियां बजाकर याद मेरे पास है।
संभाले तो फिर क्या फिकर, थोड़ी शिखर शाम सुंदर महर की नजर, थोड़ी शिखर। अभी थोड़ा दिन पहले मुरारी बापू जी का टीवी में दो लाइन सुनी, ये गरीब नवाज जब है जब आप अपने आप को गरीब समझते हैं। आप गरीब नहीं होते, ये गरीब नवाज नहीं है। और प्रेमियों, हमेशा जो ये सोचता है कि मैं आज भी गरीब हूं बाबा, दौलत है, शोहरत है, गरीब किस मामले में हूं, मेरे अंदर आपके लिए तड़प हुई तो क्या बात हुई। अमीर तो मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन आपके मन में मेरे लिए तड़प पैदा हो जाएगी, उस दिन मैं अमीर होऊंगा। कौन कौन थे पता है जो दो तस्वीरें लगी है ना बाबा के दरबार में, श्याम बहादुर जी महाराज, तालियां बजाइए, आलू सिंह जी महाराज, उनके लिए ये तड़प तो थे। क्योंकि वो कभी अपने लिए जिए ही नहीं, किसी भी दुखियारों को देखते थे बाबा से लड़ जाते थे, बाबा ही को काम बनाना पड़सी कहते हैं भगत जी, कहते हैं इनकी किस्मत में पानी तो मेरे अकाउंट से दे दे, लेकिन देनो बड़ो बाबा, क्योंकि अगर ये खाली चले गए इको तो के है, ये तो सड़क तो है, लेकिन तेरे नाम पर दाग लग जाओगे इतना हारे को सहारे कब। श्याम सुंदर महर की नजर, दुखियों पे थोड़ी शिखर, श्याम सुंदर महर की नजर, दीन दुखियों पे थोड़ी शिखर। सुनाना चाहता हूं बंबई के सभी मंडलों के लिए, कोई मंडल देखिए, बंबई कलकत्ता दिल्ली वाले तो 5 घंटे में पहुंच जाते हैं बाबा के, बंबई कलकत्ता बिहार यूपी वाले रामोतार जी जानते हैं, 4 महीने पहले टिकट बनती है ना आजकल रेल की, अभी भी देखो फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन जो निशानों का जत्था आता है ना, एक एक मंडल में 350-350 मेंबर और 200-200 निशान, और निशान को जब ट्रेन में बांध कर चलते हैं, एक बक्सा बाबा की और बाबा की तस्वीर, बाबा का दरबार जब ट्रेन में सबसे ऊंची सीट पर रखा होता है, दोनों टाइम आरती होती है और दोनों टाइम बाबा का कीर्तन होता है, और जिस जिस रास्ते से ट्रेन निकलती है हर
प्लेटफार्म के ऊपर कोई ना कोई श्याम परिवार आता है, कोई चाय लेकर आता है, कोई नाश्ता लेकर आता है, चाय की टंकी थमाता है और प्रेमी उतर कर ढपली बजाकर भजन गाते हैं, दो मिनट के लिए भजन गाते हैं। वो आनंद जो आता है ना, उस आनंद के आगे फ्लाइट का आनंद कुछ भी नहीं है। सुनाओ। अब एक प्रेमी ग्यारस के ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार। बोलो क्या पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार, मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार, खाटू गए बगैर मुझे जाने से मना करो। मैंने कहा भैया पूरा भजन तो सुन लो, तालियां बजाओ। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूं मैं शाम के बाद, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार। उसे सपने में दर्शन हुए और क्या चीज के दर्शन हुए,
बाबा के शिखर बंद के दर्शन हुए और जो निशान उसने अपने हाथों से बनाया था वो निशान बाबा के शिखर बंद में लगा हुआ। लगता है एक निशान, लगता है एक निशान, लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। एक प्रेमी ऐसा भी था बड़ी मुश्किल से टिकट का पैसा जुगाड़ करके खाटू पहुंचा था। 100-200 रुपये पॉकेट में पड़े थे, मंदिर जा रहा था, प्रसाद की दुकान पर खड़ा हो गया, पॉकेट में 100 रुपये निकाले कि 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा को। पेड़े के लिए जैसे ही दुकान पर नोट बढ़ाया उसे लगा कि कोई उसका कपड़े पकड़ कर टांग रहा है। आगे उसने घूम कर देखा कोई गरीब आदमी भूखा था, ऐसे ही सारे कर रहा था। उसने हाथ वापस खींच लिया, मन में क्या आई उस गरीब को पकड़कर किसी होटल के पास ले गया और कहा भैया इसे भरपेट खाना खिला दो। अपने हाथों से रोटी ली उसे खिलाया, 80 रुपये की थाली थी, 80 रुपये पेमेंट किया, बचे 20 रुपये। अब मिठाई की दुकान पर गया, 20 रुपये में पेड़ा भी नहीं आ रहा था, काजू किशमिश भी नहीं आ रहे थे, मखाने के पैकेट ले ली। तालियां बजाना प्रेम। मखाने के पैकेट ली और बाबा के मंदिर में चला गया। वहां पर पैकेट थमाई, जो प्रसाद ले रहे थे पैकेट फाड़ा, पलटी में डाला और इधर दूर कर दिया। तालियां बजाना। अर पालक भूखा मिल जाए मुझसे रहा नहीं जाए, मुझसे रहा नहीं जाए, उसको रोटी देकर ही चैन मेरे दिल को आए, उसको रोटी देकर ही चैन मेरे दिल को। लगता है शाम को, लगता है शाम को, लगता है शाम को कि मेरा भोग लग गया, लगता है शाम को कि मेरा भोग लग गया। रात को उसे भी दर्शन हुए, उसने देखा बाबा के सामने उसके मखाने की पैकेट रखी है और बाबा उस मखाने का भोग लगा रहा है। पूरे हाथों को उठाना, पूरे हाथों को, ये जोरदार तालियां बजाकर। फागुन में तो भीड़ होती है, फागुन में बागा चढ़ना आसान नहीं होता। आम दिनों के लिए उसने सोचा कि आम दिन में जाऊंगा, 11-12 छोड़कर जाऊंगा, शनिवार रविवार छोड़कर जाऊंगा, 2 दिन बाबा के दरबार में रहूंगा, बागा चढ़ाऊंगा। तालियां बजाना। बागा बनवाने के लिए बागा की दुकान के लिए निकला, 5,000 पॉकेट में थे। रास्ते में उसने देखा छिछड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन, छिछड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन। उसने देखा
कि कोई गरीब बहन है जाड़े में ठिठुर रही है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। उसी को दया आ गई, कपड़े की दुकान में ले गया, पॉकेट से 2000 रुपए के कपड़े उस बहन को उठा दिए और दुकान पर गया बागा वाले के, कहा भैया मुझे बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए बागा चाहिए। दुकानदार ने बागा उतारा 50,000 का, कहा भैया इतनी मेरी औकात नहीं, नीचे आओ 40 का, अरे इतनी भी नहीं है 20 का, फिर 10 का, और आखिर में उसने 5 का बागा निकाला। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहा भाई मेरे पास तो सिर्फ ये 3000 रुपये है। दुकानदार ने कहा भाई 3000 में तो प्लेन पोत आएगा, अपनी तरफ से मैं चारों तरफ की किनारी करवा दूंगा। प्रेमी ने कहा भैया इतना ही कर दो, अगर प्लेन पोत का भी उड़ा पाया तो कृपा हो जाएगी। बागा लेकर खाटू चला गया, दिन में भोग आरती के पहले पुजारी जी को बागा दिया, पुजारी जी ने बागा बागा बाबा का बाबा को सकाया और साइड में रख दिया, तालियां बजा दिया। सैन बाबा सैन हो गए। शाम को आया, मंदिर खुला, मंदिर में खड़ा रहा, घंटों निहारता रहा, लेकिन बागा नजर नहीं आया। सैन आरती के बाद मन महसूस कर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, भोग आरती के पहले टकटकी बनाकर देख रहा है, पंडित जी भी उस प्रेमी को देख रहे हैं, प्रेमी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब बाबा को भोग लगाकर पंडित जी बाहर बैठे थे, उस प्रेमी को बुलाया, क्यों रोते हो? कहा मेरा गरीब का बागा था ना, इसलिए बाबा ने बागा नहीं पहना, आपने भी बाबा को बागा छुआ कर साइड में रख दिया। पंडित जी ने कहा रात को जब शयन आरती के समय में एक बार पंडित जी आरती शयन आरती के बाद में एक बार पट बंद करते हैं, पर्दा डालते हैं, लाइट बंद करते हैं, फिर 1 मिनट के लिए लाइट चालू करते हैं, कहना कहता उस समय ध्यान से मुझे देखते रहना, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेमी शाम को आ गया, शयन आरती हो गई, पंडित जी ने एक बार लाइट बंद की पर्दा लगाया और दूसरी बार पर्दा खोला और पंडित ने प्रेमी की तरफ देखा, ध्यान से प्रेमी टकटकी लगाकर देख रहा है। पंडित जी ने एक बागा उठाया, उसके नीचे फिर कोई माल का बागा था, दूसरा उठाया, उसके नीचे तीसरा था, तीसरा उठाया, उसके नीचे चौथा था, और चूही चौथा बागा उठाया, पांचवा बागा उस गरीब प्रेमी का बाबा को पहनाया। शयन आरती हो गई, पंडित जी आरती करके मंदिर के बाहर आए, शाम प्रेमी भी जाकर पकड़ लिया पांव पंडित के और रोने लगा। पंडित ने कहा अब क्या रो रहा है? प्रेमी ने कहा पंडित जी मुझ गरीब का बागा था ना, इसलिए बाबा ने ऊपर नहीं पहना, सबसे नीचे पहना। पंडित जी ने कहा अरे पगले तुझे नहीं मालूम कल से लेकर आज तक जो बागा 4 दिखाए वो 3 बार पलट गए, लेकिन तेरा बागा अभी तक नहीं पलटा गया। वो तेरा ही बागा था प्रेमी, तेरा ही बागा था। चिचड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही आंतों से तन, चीर उड़ाया उसको तो आंखें हो गई उसकी नम, चीर उड़ाया उसको तो आंखें हो गई उसकी नम, ऐसा लगा मुझे तू गए बगैर मुझे
श्याम मिल गया। बोला हारे के। आइए प्रेमियों, दो भजन के लिए मुझे विशेष तौर पर कहा गया, तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, जितने भी प्रेमी अच्छा पकड़ी कलाई आई सुन भाई, जिनको नहीं जाना है वो कृपया दिल से बैठे यहां पर। तेरी नाव भंवर में डोले तू घबराना नहीं। बोलो तेरी नाव तेरा माझी श्याम धनी है भूल तो जाना नहीं। तेरा माझी भूल तो जाना नहीं। इनको पतवार थमाई इनको फिकर फिर क्या करना। पूरे पूरे हाथ उठाना पूरे पूरे और ये कान बांध कर लेकर जाना। जब श्याम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब श्याम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। तेरी होगी हर सुनवाई तेरी होगी हर सुनवाई फिकर फिर क्या करना। जब श्याम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब श्याम ने पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। हाथ उठा